हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त नीरज। दोस्तों, आज फिर से लाइव ट्रेडिंग में हम, और दोस्तों ये जुबिलेंट फूड के हमने 80 शेयर्स को 1242 रुपीस पे शॉर्ट किया हुआ है। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ मार्केट डाउनसाइड जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं कह सकते कि डाउन रहेगा कि अप रहेगा। और जो भी मेरे नए दोस्त वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को बहुत जल्दी। ये मेरा अकाउंट, तो गाइस ये देखिए अभी 1234-35 के आसपास सस्टेन कर रहा है, तो हमें ऐसा कुछ डाउन साइड यहाँ से लग रहा है और जाएगा, क्योंकि अप साइड की मूवमेंट तो नहीं बन पा रही है इस पर। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा, 9:25 पे हो रहे हैं। और मेरे नए दोस्त जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको बता दूँ मैं कि दोस्तों ये देखिए हम 5paisa ऐप पर ट्रेडिंग करते हैं, और अगर आप भी 5paisa ऐप पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, अकाउंट ओपन करिए। आप इधर उधर कहीं मत जाइए। अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देता हूँ, उस लिंक पे क्लिक करें, रजिस्टर्ड करें, नाम डालें, रजिस्टर्ड करें और फॉलो करें उनके रूल्स, और अकाउंट ओपन करें और बहुत जल्दी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो दोस्तों ट्रेडिंग करिए, सीखिए, पहले तो सीखिए आप, है ना। थोड़ा सा प्रॉफिट पे मत जाइए स्टार्टिंग पे, क्योंकि क्या है, अभी स्टार्टिंग पे आपने स्टार्टिंग करी है तो एकदम से प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। आप कोई भी नया बिजनेस करते हैं तो उस पर भी एकदम से प्रॉफिट तो नहीं आता है, आपको साल डेढ़ साल रुकना ही पड़ता है उस बिजनेस में। तो गाइस अभी हमें जो है 1234 के आसपास चल रहा है। हमें ऐसी, ये देखिए, हमें ऐसी उम्मीद है कि ये डाउन साइड देगा मोमेंट, 1212 तक भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो अभी प्रेजेंटली 1224 के आसपास हमारा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। तो देखते हैं, मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है अभी फ़िलहाल, 9:27 हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ से थोड़ी सी डाउन मूवमेंट बने तो हम देखें, जैसा हमने बताया कि एटलीस्ट 1% का टारगेट रहता है हमारा। तो 1232 रुपीज़ के आसपास हम इसे कट भी कर सकते हैं और देखेंगे मूवमेंट क्या है। अभी 600-500 रुपये का बेनिफिट चल रहा है, तो अभी तक तो अच्छी मूवमेंट आ गई दोस्तों इसमें। दोस्तों कम क्वांटिटी से ट्रेड करें, जो भी बिगनर्स हैं बहुत ही कम क्वांटिटी लेके ट्रेड करें। पहले आप मार्केट को वॉच करें, देखें कि कैसे मार्केट मूवमेंट देता है, अपसाइड डाउन साइड, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो देखिए पूरा मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही चलता है, एक डाउन साइड रहता है, एक अपसाइड रहता है। तो अपसाइड में गया है तो वहाँ शॉर्ट कर सकते हैं, डाउन साइड आया है तो आप बाई पोजीशन बना सकते हैं वहाँ से। लेकिन आपको इसके लिए क्या है कि बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा, और नॉलेज तभी मिलेगा जब आप मार्केट पे स्टे करेंगे, रुकेंगे 1.5-2 साल, तो उसमें आप लॉस भी खाएंगे, प्रॉफिट भी लेंगे। तो देखिए गाइस अभी 704 रुपीज़ का बेनिफिट हमें दिख रहा है प्रेजेंटली, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है अभी हम, तो हम देखते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक प्रॉफिट लगेगा तो हम लेके निकल भी सकते हैं यहाँ से दोस्तों। आजकल थोड़ा सा देखिए फास्ट मूवमेंट हो रही है, और फास्ट पैसा अगर बन रहा है दोस्तों आपका, तो इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं है। लेकिन कई बार आपको वेट करना भी पड़ जाता है, पेशेंस रखना पड़ जाता है। देखिए हमें करीब करीब 9:34 ही हो रहे हैं, और बहुत अच्छी डाउन मूवमेंट आई है। हमें 1225 जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको रेड वाली, ये देखिए 920 रुपये का बेनिफिट है। तो दोस्तों अब हम इसे थोड़ी सी कट करने की पोजीशन बनाते हैं ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 1% के ऊपर टारगेट निकल आया है। 1231 पे हम देख रहे हैं इसको, हो सकता है डाउन भी जाए। 1230 लगा के रखा है हमने, और इसे जैसे भी नीचे जाता है हम इमिडिएटली इसे मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस के थ्रू कट करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या है कि आप मार्केट को वॉच करिए और मार्केट को देखिए कि क्या मूवमेंट आ रही है उस पर। ये देखिए अभी डाउन मूवमेंट आ रही है, 1229 आ गया, तो थोड़ा सा हम सोचें 1230 पे इसे लगा ही दें। ये देखिए अब हम 1230 पे लगा के मान चुके हैं कि हम मार्केट से आउट हो सकते हैं या हो गए हों,
कुछ भी हो सकता है। ये थोड़ा पोजीशन वगैरह देखें क्या है भाई, अभी तो चल रहा है भाई, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, 1000 रुपये का बेनिफिट हमें दिख रहा है। थोड़ा सा ट्रेल करेंगे हम, और अगर डाउनसाइड जाता है तो 1225 तक जाने का तो लग रहा है गाइस, लेकिन थोड़ा मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है नहीं। ये देखिए 1228 आया है, थोड़ा सा हम सोचा है ट्रेल कर दिया जाए क्या। तो गाइस ज़्यादा लालच भी मत करिए, आपकी हिसाब से अगर शेयर 1% के आसपास टारगेट दे रहा है तो देखिए अब हमारा टारगेट तो आ चुका है, 1100 रुपये का बेनिफिट है, थोड़ा बेनिफिट बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं, नहीं तो 1230 पे हम इसको थोड़ा सा 1228 कर दें क्या कि हटा दें। कभी भी हटा सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, अभी 1230 पे तो हटा ही हुआ है शेयर, तो एग्जीक्यूट हुआ क्या। ओके गाइस ये देखिए 960 रुपीज़ का बेनिफिट आ गया हमें, 1230 रुपीज़ पे हमने इसे बाय कर लिया है और 960 रुपीज़ बेनिफिट आ चुका है हमारा। कभी कभी हम देखिए पर्टिकुलर टारगेट तक नहीं जाते हैं क्योंकि मार्केट की पोजीशन पे ही सब कुछ डिपेंड है दोस्तों। तो अभी देखिए मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है नहीं, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हो सकते, हो सकता है 40-50 पॉइंट अपसाइड भी हो जाए, तो इसलिए स्टॉप लॉस तो हमारा काफ़ी ऊपर रखा था हमने, 1255 के वो था, तो शायद उतना तो हिट 57 के वो था, तो काफ़ी डाउन अच्छी मूवमेंट आई है। तो दोस्तों यही है, देखते रहिए, सीखें, और जो भी नए बंदे हैं अकाउंट ओपन करें दोस्तों और ट्रेडिंग स्टार्ट करें, फिर तो धीरे धीरे सीखना होगा। चलिए ये देखिए बाय सेल ऑर्डर दोनों एग्जीक्यूटेड हैं और 9:38 के पहले ही हमारा बेनिफिट निकल गया है 960 रुपीज़ का। तो चलिए आज हमारा फ्री हो गए हम और फास्ट ट्रेडिंग हुई है आज बहुत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा वीडियो आप देखते रहते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए, कुछ समस्या है मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं अपना फ़ोन भी डाल देता हूँ नंबर, तो वहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे। चलिए ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।